ना ये जो आप देख रहे हो उसको हम कहते हैं जम्बो स्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कि जम्बो ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल सा। ये मान लीजिए कुछ आपको हेडिंग वगैरह दिखाना है, फ्रंट पेज पे मैंने ब्लॉग क्रिएट किया, हेडिंग है और हेडिंग के अंदर कुछ टेक्स्ट है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत जल्दी बना सकते हैं यूजिंग जम्बोट्रॉन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल एक डिव क्रिएट करना है, एक क्लास अप्लाई करना है जम्बोट्रॉन, और इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, ऊपर और नीचे थोड़ा सा पैडिंग ऐड हो जाता है, ग्रे कलर इसमें ऐड हो जाता है, तो कार्ड जैसा ही है ये, तो इसको हम क्रिएट करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा डिव, डिव में मुझे क्लास यूज़ करना है, मैंने कहा जम्बोट्रॉन, ठीक है, जम्बोट्रॉन। इसके बाद इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे तो वो उसमें जो उसका जो इफेक्ट है वो आपको देखने मिलेगा। तो ये देखोगे सिंपल सा जम्बोट्रॉन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो बस एक क्लास अप्लाई करने से ये आपको इफेक्ट यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एच आर ऐड कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लास अप्लाई किया, मैंने कहा M4 और मैंने इस पर कहा P4, तो ऊपर से थोड़ा गैप देने के लिए मैंने ये किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया जम्बोट्रॉन। अगर आपको यहाँ पे हेडिंग क्रिएट करना है तो ये जो अब मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है इसको मैं हेडिंग में लिखूंगा। तो मैंने इस पर लिखा, मैंने H4 अप्लाई किया और इस पर मैंने कहा दिस इज़ हेडिंग, और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ ऐड किया लॉरेम, ठीक है, डमी टेक्स्ट इंसर्ट किया, इस तरह से सेव किया। तो अभी आप देखोगे ये आ गया। तो इसको आप थोड़ा और बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पर हमारे पास क्लास होते हैं, Display 1, Display 2, ये सारी क्लासेस हैं। तो मैं इस पर क्लास अप्लाई करूँगा, मैंने इस पर कहा Display 1, तो आप देखोगे कि ये हेडिंग थोड़ा इसमें उसका जो वेट है ये कम हो जाएगा, फॉन्ट वेट, और जो उसका साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो फॉन्ट वेट में 1, 2, 3 से लेके 4 और 5 तक है, यहाँ पर 4 तक ही है शायद ये, ठीक है, हाँ 4 तक है। तो मैंने इस पर कहा Display 4, तो Display 4 थोड़ा छोटा दिखेगा। तो ये आ गया हेडिंग यहाँ पे। मान लीजिए इसके बाद आप एक हॉरिजॉन्टल रूलर ऐड करना चाहते हो तो HR इंसर्ट कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे एक बटन इंसर्ट करना है मुझे, तो उस पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पर एक बटन ऐड कर सकता हूँ। मैंने इस पर कहा बटन और मैंने कहा गो टू समवेयर, ठीक है। नाउ बटन में कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। मैंने इस पर कहा क्लास BTN SM यूज़ करा, छोटा बटन चाहिए मुझे। इसके बाद मैंने कहा BTN Lite यूज़ कर लेते हैं, सो मैंने यहाँ पर कहा BTN Lite, और इस पर मैं बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ, मैंने कहा बॉर्डर, ठीक है। तो ये हो गया, एक बटन क्रिएट हो गया, इसमें बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। तो मैं बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ, उसको मैंने कहा BTN Success, सेव किया। तो ये जो बटन यहाँ पर क्रिएट हो गया। अगर आप इसको राइट हैंड साइड पर ले जाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पर फ्लोट राइट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर कहा फ्लोट राइट, तो इससे राइट में आपको ये बटन शो होने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर जम्बोट्रॉन, काफ़ी आसानी से बन जाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर जम्बोट्रॉन। आप यहाँ पर देखोगे ये पैराग्राफ है, इसमें क्लास ऐड किया हो लीड, तो लीड क्लास से क्या होगा ये, इसमें आप अगर कोई कैप्शन वगैरह ऐड करना चाहते हो लीड में ही होगा, पैराग्राफ से थोड़े से बड़े इसमें फॉन्ट होंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया, इस पर मैंने कहा डमी टेक्स्ट ऐड कर दिया अभी थोड़ा सा इसमें, और इसको मैं कम कर देता हूँ। इसमें क्लास अप्लाई कर सकते हैं हम जम्बोट्रॉन के अंदर, मैंने इस पर कहा लीड, तो इससे क्या होगा फॉन्ट वेट कम हो जाएगा और फॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये आप देखोगे पैराग्राफ से थोड़ा ये अलग लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जम्बोट्रॉन, आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे फ्लोट जम्बोट्रॉन, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर आप देखोगे तो इस पर आपको एक जम्बोट्रॉन फ्लोट है, जैसे कि कंटेनर होता है और कंटेनर फ्लोट होता है, वैसे ही है जम्बोट्रॉन। जम्बो इसमें देखोगे आप किनारे में स्पेस आपको दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें जम्बोट्रॉन फ्लूड ऐड कर देता हूँ तो आप देखोगे स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, और ये मतलब ये साइड में अंदर साइड जो स्पेस दिख रहा था ये स्पेस आपको अब यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक। ये हो गया, तो इसमें क्या होगा गैप वगैरह नहीं दिखेगा, जो पैडिंग थी वो पैडिंग आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है, और कोई भी राउंडेड कॉर्नर उसमें नहीं होंगे जैसा कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पर ठीक है, तो ये हो गया जम्बोट्रॉन, जो कि अभी जो स्टार्टिंग में हमने देखा हुआ था वही सबसे सही लगता है, इसको आप रिमूव कर दीजिए, ये हो गया। तो ये वाला सही, इसमें क्या होता है राउंडेड कॉर्नर दिखते हैं और इसमें पैडिंग ऐड हो जाता है, ठीक है।